Hello everyone. In my previous class, we had solved exercises 2.2, question 7 to question 11. So in my today's lectures, I'm going to solve exercises 2.2, question 12 to question 15. So let me start with the question number 12. What is question 12? A shopkeeper makes a profit of rupees 2000 in a month and a loss of rupees 1300 in another month. Find his total profit and loss. See, it's like that के एक shopkeeper के दो business, दो month के business का status दिया. First month में उसको 2000 का profit हुआ, but second month में उसको 1300 rupees का loss हुआ. तो यहाँ हमें दो month में उसको कितना profit या तो कितना loss हुआ वो ढूंढ के देना. So let me start with it. First of all, that profit उसको कितना हुआ था one month? Profit is of rupees 2000 और लॉस कितना हुआ था तो कि रुपीस 1300. यू ऑब्जर्व दिस बोथ द नंबर, यू फाइंड इट आउट कि उसमें जो प्रॉफिट है वो 2000 का हुआ, लॉस है वो 1300 का हुआ, यानी कि प्रॉफिट की वैल्यू लॉस की वैल्यू से ज्यादा है, यानी कि प्रॉफिट ग्रेटर देन लॉस. तो यहां इसको टोटल प्रॉफिट ढूंढेगा क्योंकि उसकी लॉस जो है वो प्रॉफिट से कम है. तो उसको जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट is equal to 2000 minus 1300. So you get answer rupees 700. So after a 2 month, जो shopkeeper को total profit हुआ वो कितना हुआ, rupees 700. ठीक है, let me move on to question number 13. See what is the question 13 is. Okay, what is the sum of, दो question है उसके अंदर A and B. तो let me solve first A. कि द लार्जेस्ट थ्री डिजिट पॉजिटिव इंटीजर एंड द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नेगेटिव इंटीजर, द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नेगेटिव इंटीजर. तो सबसे पहले तो लार्जेस्ट थ्री डिजिट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, लार्जेस्ट थ्री डिजिट पॉजिटिव इंटीजर होता है 999, एंड सेकेंड दे से स्मॉलेस्ट टू डिजिट नेगेटिव इंटीजर. सी वी नो दैट कि इन इंटीजर नंबर जितना बड़ा वैल्यू उतनी कम. अगर टू डिजिट नंबर स्टार्ट करें तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से, और कहाँ तक होता है तो कि 99 तक. तो अगर हमें स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर बोला है तो वो आएगा 99. सो स्मॉलेस्ट टू डिजिट नेगेटिव इंटीजर इज -99. सेकेंडली व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, सम सम ऑफ लार्जेस्ट थ्री डिजिट पॉजिटिव इंटीजर एंड द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नेगेटिव इंटीजर. सो वी कैन गेट सम, तो देयरफॉर सम 999 plus of minus 99. So it's 999 plus of minus 99 minus 99. Ultimately the answer is 900. Then you will write it down at answer at last in your solution, that is sum of largest three digit positive integer and the smallest two digit negative integer is rupees is 900. Okay. Let me do the B1 in it. Question 13, what is the question for that? The largest 4 digit even positive integer and the smallest 3 digit odd negative integers. यहां आपको largest 4 digit even positive, largest 4 digit even पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज 9998. वैसे तो लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर होता है 9999, बट हमें ये बोला है कि लार्जेस्ट फोर डिजिट इवन पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो वो आएगा 9998. सेकेंड नंबर जो हमें लेना है वो है स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट और नेगेटिव इंटीजर,
3 digit or negative integer, वो कौन सा नंबर आएगा? अगर बात करें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नेगेटिव इंटीजर की, तो होगा 999, जो ऑड भी है, तो यहां पे आएगा -999. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट सम, दैट फॉर सम 9998 प्लस ऑफ माइनस 999, सो 9998 माइनस 999. So the answer is 8999. So you have write it down in solution. At last, answer is that the sum of largest 4-digit even positive integer and the smallest 3-digit odd negative integer is 8999. This is about 13th A and B. Let me move on to the question 14. So what is question 14? Okay. Rita travel 125 km towards north and Geeta travel 326 km towards south from the same point. Suppose ये हमारा point है, इस तरफ की direction है वो north दिखा रही है, इस तरफ की direction है वो south दिखा रही है, ठीक है? एनी रेफरेंस, आप इसको नॉर्थ इसको साउथ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वी जस्ट नीड रेफरेंस. रीता ट्रैवल 125 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, तो यहां से यहां तक सपोज 125 किलोमीटर कौन ट्रैवल कर रहा है? रीता. अब आगे उसी पॉइंट से गीता ट्रैवल 326 किलोमीटर, मानो कि 326 किलोमीटर गीता ने ट्रैवल. What did you need to find it out at last? What is the distance between them? तो अब यहाँ गीता है और यहाँ रीता है, आपको इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस ढूंढना है, तो क्या करना पड़ेगा? Yes, addition करना पड़ेगा. So simply you will write it down statement first. कि रीता travel towards north is equal to 125 km. Geeta traveled towards south, that is 326 km. So now therefore distance between Rita and Geeta is equal to 125 plus 326. 6 5 11 1 carry equal to 2 2 4 5 3 1 5 451 km. At last, in your solution, you have write down answer that distance between the Rita and Geeta is 451 km. Let me move on to the last question 15. See, the question 15 is, on a particular day the temperature of Bangalore was 32 degrees Celsius and after in the afternoon and 24 degrees Celsius at midnight. And the temperature of Goa was 29 degrees Celsius in the afternoon and 15 degrees Celsius at midnight. Which fall in temperature greater? तो हमें यहाँ temperature में जो decrease हुआ है वो ढूंढना, बताना है कि Goa या तो Bangalore में कौन से city में ज़्यादा temperature fall हुआ है. तो first of all let me write it down for Bangalore. That's for Bangalore. Temperature at afternoon is equal to 32 degrees Celsius. Temperature at midnight, that is 24 degrees Celsius. So fall in temperature
that is 32 degree Celsius minus 24 degree Celsius. Answer is 8 degree Celsius. So now let me write it down for Goa. Temperature at afternoon is equal to 29 degrees Celsius. Temperature at midnight, that is 15 degrees Celsius. So falling temperature 29 degrees Celsius minus 50 degrees Celsius, that is 14 degree Celsius. So from this we can conclude that okay, सबसे ज्यादा temperature fall हुआ इन दोनों सिटी में से वो किसका हुआ? गोवा का हुआ. तो class in your answer you have to write it down in your solution that the temperature of Goa fall greater than the temperature of Bangalore fall. So this is what about question number 12, 13, 14 and 15. So based on today's explanation, your homework is completion of these questions in your notebook. So your homework is exercises 2.2, question number 12 to 15 in appendix.